जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। या तो आपका ये साइन हो सकता है या आपके पर्सन का। तो यहाँ पे जैसे सॉर्ड का नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है जो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, तो फर्स्ट कार्ड तो यही बताता के है कि इन्हें आपसे बातचीत करना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको भी शायद थोड़ा आदत हो सकती है कि आप मन के बहुत साफ है, जिसकी वजह से आपके दिल में जो भी जज्बात होते हैं, जो भी बातें होती हैं, वो आप अपने पर्सन से शेयर करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। कोई भी बात हो, आपको अच्छा लगे कोई बात या बुरी लगे, तो भी आप उस बात को अपने पर्सन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में कम्युनिकेशन जो होता है, उस कम्युनिकेशन को लेके ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। यानी कि हो सकता है जब भी आप बातें करते हैं, ये पर्सन सिर्फ सुनते रहते हैं, आपको शायद इतना प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं देते होंगे, लेकिन जब ये अकेले में होते हैं तो आपकी उन्हीं कही हुई बातों के बारे में ये सोचते रहते हैं और उन्हें एहसास होता है कि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, आपने सच्चे मन से इनसे हमेशा अपने दिल के जज्बात शेयर किए हैं, जिसमें एक सच्चाई है कि आपके हद तक इस पर्सन को पसंद करते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस, ये पैशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे पर्सन है कि अगर आपने कुछ जिंदगी में ठान लिया है तो आप जब तक उस गोल को अचीव नहीं करते आप रुकने वाले पर्सन है नहीं। यानी कि बहुत हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जज्बा जो होता है कि नहीं, मैंने अगर कुछ डिसाइड किया है तो मैं वो पाके रहूंगा या रहूंगी, मुझे बस वही दिन रात एफर्ट करने। तो वैसे आप डेडिकेटेड पर्सन हो सकते हैं, मतलब अगर आपने ठान लिया है कि इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ही है, तो इन्हें पता है कि आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप आने वाली हर मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर है द हीरोफंट, जैसे यहाँ पे ये दो लोग हैं, ये हीरोफंट से कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन मिलता है ऐसा इन्हें लगता है। वैसे ही आपके पर्सन शायद जब भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं, जिंदगी में थोड़े परेशान होते हैं, तो ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं और आप अपनी बात उनसे उनके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें निकाल ही देते हैं। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी हर उलझन का एक सही एंगल आप समझते हैं और जिसकी वजह से आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी उनकी हमेशा साथ देते हैं, जहाँ पे शायद दुनिया के कई सारे लोग इन्हें उस प्रॉब्लम में अकेला छोड़ देते हैं कि नहीं अब तू देख। कोई फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे लोग भी जो इनका सपोर्ट अब तक करते आए थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोविड के बाद भी काफ़ी सारे लोगों ने जिंदगी में बहुत सारे बड़े चेंजेस देखे हैं, ऐसे ही अगर इस पर्सन ने काफ़ी पैच, रॉकी पैच अगर जिंदगी में देखा है, तो उन्हें यकीन है कि उस वक्त भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा था और आने वाले फ्यूचर को लेके भी उन्हें एहसास होता है कि आप उनका साथ हमेशा निभाने वाले पर्सन हैं। ये भी बात उन्हें बहुत पसंद है आपकी। फिर है जस्टिस, ये लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है, तो इक्वल गिव एंड टेक का ये कार्ड होता है। मतलब आप ऐसे पर्सन नहीं है कि सिर्फ दूसरों से ही उम्मीद करते रहे, तुम
मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये करो वो करो, या फिर तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, आप इक्वल गिव एंड टेक करते, यानी कि आप के पर्सन की तरफ से आपको क्या मिलना है इसका आप इंतजार नहीं करते, बस आपके मन में है ना आप वो बात कर देते हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को एहसास होता है कि हाँ इनको भी उतना प्यार उतनी रिस्पेक्ट या फिर आपको समझ के लेना चाहिए जितना आप इनके समझ के लेती हैं, या फिर आपकी तरफ से जितनी अंडरस्टैंड आप इनकी अंडरस्टैंडिंग आप इनको समझने के लिए अपनी तरफ से दिखा दी है। साथ ही साथ यहाँ पे भी जस्टिस के हाथ में भी एक सॉर्ड है, यहाँ पे भी नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है, तो आप दोनों भी एक दूसरे से क्लियरली बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और साथ ही साथ आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब किसी एक ही पर्सन की साइड लेके बाकी किसी के ऊपर अन्याय होने देना, मतलब घर वालों को भी अगर आपको मनाना है तो भी आप उनको भी समझ के लेने के लिए अपना बेस्ट देते हैं, यानी कि आप ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेयरनेस चाहते हैं जिंदगी में। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉन, दो बार पेजेस का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा उन्हें पता है कि आप भी कहीं ना कहीं जिंदगी में जब कंफ्यूज होते हैं तो आप इस पर्सन से अपने दिल की बात शेयर करते हैं, कि जैसे इस पेंटिकल के ऊपर स्टार बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है विश को, तो जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है छोटी मोटी विशेष से ही, वो जैसे किसी का अगर आपके घर में बर्थडे है आपको सेलिब्रेट करना है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि उस पर्सन के लिए क्या आपको प्रेजेंट लेना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ज़िंदगी की खुशियों से जुड़ी जिनको आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इस पर्सन को भी पता है कि आपके लिए भी फैमिली इंपॉर्टेंस रखती है। साथ ही साथ आप एक ऐसे पर्सन हैं जो पैसा खर्च करते वक्त भी बहुत सोच समझ के उसको खर्च करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है इस पैसों की असली कीमत क्या होती है ज़िंदगी में, तो ये भी उन्हें अच्छा लगता है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडेड भी हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों के इमोशंस भी समझ के लेते हैं। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, जैसे यहाँ पे ये स्टक फील कर रही है वैसे ही जब भी शायद आपके पर्सन जिंदगी में स्टक फील करते हैं, उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है वो अकेले पड़ गए हैं, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं होता, उस वक्त अगर वो आपको बुलाए कि आई नीड यू इन माई लाइफ या फिर कुछ बातें शेयर करनी होती है, कुछ प्रॉब्लम है कुछ भी हो, तो आप हमेशा उनका साथ देते हैं, यानी कि यहाँ पे भी मुसीबत ही थोड़ी दिखाई दे रही है, आपने उनका मुसीबत में अब तक साथ नहीं छोड़ा है और ये बात आपको लेके वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। फिर अपोलोजाइज, शायद आप दोनों के बीच में जब भी छोटी मोटी लड़ाई होती है आप इस पर्सन की तरफ से माफ़ी का इंतज़ार नहीं करते, नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते में जब तक मुझे वो सॉरी नहीं कहेगा, जब तक वो मुझे नहीं मनाएगा, मैं सुनने वाला नहीं हूँ या सुनने वाली नहीं हूँ, इस तरह की जिद पकड़ के बैठते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जो माफ़ी के लिए भी नहीं रुकते, मतलब बात हो गई चलो हो गई, उस बात को ज़्यादा खींचते नहीं है आप। नेक्स्ट है कम बैक, ये कार्ड भी वही बताता है कि शायद आपको एहसास है कि जब भी आप थोड़ा मिल नहीं पाते या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां बन जाती है तो आपका दिल तड़पता है इस पर्सन से मिलने के लिए, और आप मैसेज में ही सही लेकिन इस पर्सन को मिलने के लिए पूछते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एहसास होता है कि आप कहीं ना कहीं उनको मिस कर रहे हैं या कर रही है। तो ये जो कम बैक कनेक्शन है ये आप दोनों का शायद अब तक चलता आया है, मतलब छोटे मोटे अप्स एंड डाउन इस रिश्ते में आए हैं, लेकिन फिर से इस पर्सन ने भी हमेशा आपकी ज़िंदगी में वापस आना ही चाहा, क्योंकि इन्हें वो सब क्वालिटीज़ आपके अंदर मिली हैं जो शायद अब तक किसी के भी बारे में उन्होंने नहीं सोचा। फिर है रिलैक्सेशन, तो आपसे जब भी वो कम्युनिकेट करते हैं बातचीत होती है, उन्हें एहसास होता है कि उन्हें सच्चे दिल से रिलैक्सेशन महसूस होता है, उनका स्ट्रेसफुल माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आप उस तरह से इनकी बात समझने की कोशिश करते हैं या फिर समझते हैं। फिर है सोल्यूशन, जैसा कि इस हीरोफंड के कार्ड में भी मैंने कहा था, जब भी ये पर्सन प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बहुत ही इन्हें पसंद है, और उन्हें हर बार अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपके पास मिल जाता है, मतलब भले ही ये सोल्यूशन आपके किसी काम का नहीं होता लेकिन आप इस पर्सन को कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ निकाल ही देते हैं, यानी कि आप उसको उसके प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। फिर है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं वो आप पे, कुछ लोगों का ट्रस्ट इशू होता है, एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन कहते हैं मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता या फिर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जब बेस ही अगर सही नहीं है तो फिर वो रिश्ते की बुनियाद क्या है ये तो कोई भी समझ सकता है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, ये आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उन्हें पता है कि आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। फिर है ब्लाइंड फोल्डेड, यहाँ पे भी वही बात है जैसे एट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में हमें आया था, कि उन्हें पता है कि वो मुश्किल में भी फर्स्ट है
और पूरी दुनिया में कोई उनका साथ देने के लिए नहीं हो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो आंखों पे पट्टी बांध के भी ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, अगर ये पर्सन मेरे साथ है तो आई एम श्योर कि मैं इस प्रॉब्लम से भी निकल आऊंगा या निकल आऊंगी। तो आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है इन्हें। फिर है रिस्टार्ट। जब भी इस रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक आया है, किसी भी बात की वजह से थोड़ा झगड़ा हो, कुछ मिस कम्युनिकेशन हो, आपने हमेशा अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि आपने दोबारा इस पर्सन को मनाना चाहा है या फिर इस रिश्ते में एक नया स्टार्ट लेना चाहा है। मतलब इस पर्सन को एहसास होता रहता है कि हाँ, आपने सच्चे दिल से इस रिश्ते को कितने ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। फिर है टुगेदरनेस। ये भी आप दोनों के साथ को बताता है, जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, ये पर्सन दिल से खुशी महसूस करते हैं, आपका साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है और इसी टुगेदरनेस को सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि हाँ, फ्यूचर में भी आपका साथ वो इसी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। और फाइनल कार्ड है स्लीपलेस नाइट्स। कुछ लोगों के बीच में शायद काफी वक्त से दूरियां चल रही है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसकी वजह से मिलना जुलना नहीं हो पाता, लेकिन उन्हें भी पता है कि आपकी भी रातों की नींद गायब है। और ये क्यों है? क्योंकि आप इस हद तक इस पर्सन के लिए सोचते हैं, परेशान होते रहते हैं, उनका अगर मैसेज ना आए, कॉल ना आए तो आपको फिक्र होती है और आप जाग जाग के यही सोचते हैं कि पता नहीं उसकी दुनिया में क्या चल रहा है। और आप ऐसे पर्सन भी नहीं है कि फोन करके या फिर मैसेज करके उनको कंटिन्यूसली बर्ज करो कि क्यों नहीं बता रहे, क्यों बातचीत तो करो, या फिर ऐसा नहीं है। आप उनको स्पेस दे देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एहसास होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं, मतलब कुछ लोग शायद लॉग इन वगैरह देख लेते हैं, टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सअप हो, तो उन्हें एहसास होता है कि हाँ, आप भी वहां पे जगे हुए हैं। लेकिन ये एहसास जरूर है कि आप उनको ऐसे ड्रैग नहीं करते इस रिश्ते में कि नहीं, मुझे ही मिलना है तो मैं ये करना ही होगा। मतलब इक्वल गिव एंड टेक, जो फेयरनेस है कि हाँ, आपको भी अगर बात करनी होगी, थोड़ी फुर्सत होगी तो आप बात करेंगे, अगर राइट नाउ नहीं कर रहे तो जरूर कुछ बात होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा। ये अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप भले ही परेशान हो कि रात रात पर जागते रहते, फिर भी आप अपनी परेशानी इस पर्सन तक नहीं पहुंचने देते। उनको ये एहसास जरूर कराते हैं कि हाँ, आपको भी उनका ये साथ बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन ये ऐसा रिश्ता नहीं होता कि जैसे एक तरफा ही गाड़ी चल रही है, आप रुक जाते हैं। जैसे ये फेयरनेस की बात है, इक्वल बैलेंस आपको भी पसंद है। मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहे, तब आप शायद थोड़ा साइलेंट मोड ले लेते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को एहसास होता है कि कुछ ना कुछ इनकी तरफ से जरूर गड़बड़ हुई है, और ये बात को समझने की कोशिश करते रहते हैं। और उसके बाद ये दोबारा आपसे कनेक्ट होते हैं, और शायद इसलिए ये अपोलोजाइज का कार्ड भी पहले आया था कि इस पर्सन से शायद जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां होती रहती है, लेकिन फिर भी आप हमेशा इनको माफ कर देते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ गुड डे।